कौन जीना इसी का नाम है का एक और एपिसोड हमें उम्मीद है बहुत मजेदार एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं पार्श्व गायन के क्षेत्र में हैं प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में जो एक दौर ऐसा गुजरा है जब बड़े बड़े दिग्गज महारथी प्लेबैक सिंगर्स मौजूद थे और हर एक ने अपनी जगह बहुत मजबूती से बना ली थी और एक से एक अच्छे गाने गाया करते थे हर एक का अंदाज था स्टाइल था उस जमाने में जो है इस क्षेत्र में प्रवेश करना बड़े हिम्मत वाले इंसानों का काम था और बल्कि बहुत मुश्किल भी था लेकिन कलकत्ता में एक लड़का था तब कलकत्ता ही था जो आज कोलकाता है एक लड़का था केदारनाथ भट्टाचार्य उसने ये फैसला किया कि साहब मुझे अपनी हिम्मत पर भी भरोसा है और अपनी कला पर अपने टैलेंट पर भी बड़ा विश्वास है मैं जाके बम्बई के दरवाजे खटखटाऊँगा फिल्म इंडस्ट्री के और देखते क्या होता है उसने दरवाजे पर दस्तक दी फिल्म इंडस्ट्री ने आवभगत की और ऐसी आवभगत की कि फिल्म इंडस्ट्री ने अपने दिल में बसा लिया उसे आज जिसका नाम है कुमार सानू कुमार सानू हमारे आज शाम के मेहमान हैं और मैं फौरन ही दावत देता हूं कि वो प्लीज तशरीफ लाएं आइए कुमार सानू साहब अरे कैसे हैं सर आप आइए बैठना चाहेंगे खड़े रहना आज आज की शाम की बादशाहत आपके पास है तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं नहीं 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 आप जैसे कहेंगे बहुत 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 खुशी हुई कि आपसे फिर खास आपके प्रोग्राम में मुलाकात हुई थैंक्स सानू साहब जितना हमने आपके बारे में जानने की कोशिश की आपको यहाँ दावत देने से पहले उससे ये मालूम हुआ कि आपके खानदान में ही जो है सुरों का संगीत का बड़ा आवन जावन है बिल्कुल और सभी को उसमें इंटरेस्ट है बिल्कुल आपके पिताजी खास तौर से आपके अलावा किसी ने ये कोशिश नहीं की कि मैं प्लेबैक सिंगर बन जाऊं आपके पिताजी ने किसी ने कोशिश नहीं की और क्योंकि हम लोग जिस फैमिली में रहा हम बहुत गरीब थे मतलब जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं मतलब मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं इस टाइप के एक टीचर का कलकत्ता में क्या अर्न होता है क्या नहीं होता है ये तो आपको शायद आइडिया होगा थोड़ा बहुत और वो भी संगीत का टीचर तो उस हिसाब से पांच भाई बहन को पालना अच्छे तरह से उसको पालना ये करना इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम तो उस हिसाब से हम लोगों ने पाला पोसा लेकिन माहौल जो था इट इज़ टोटली संगीत का माहौल था हर रोज़ गाना बजाना सुबह से लेकर रात तक रात को 2 बजे 1:30 बजे 1 बजे तक कोई गाना सुनना तबला बज रहा है हारमोनियम बज रहा है पूरा वातावरण मैं उस वातावरण की कुछ एक याद ताज़ा करना चाहता हूँ एक साहब को बुला के प्लीज आइए तशरीफ लाइए आदाब तपन साहब आइए आइए मेरे बड़े भाई हैं भाई उसमें कैसे हैं भाई हाँ भाई सर तपन साहब आप यहाँ आ जाइए देबू साहब आप यहाँ आ जाए सर सानू साहब बता रहे थे अभी कि आपके घर में माहौल ही पूरा संगीत का था हाँ। मतलब पिताजी भी बाकायदा मतलब क्लासिकल सिंगिंग करते थे आपके यहाँ क्लासेस भी चलते थे माता जी भी क्लासेस कंडक्ट करते थे तो आपका भी गाने में रुझान वगैरह रहा है हाँ वो तो है अगर ना बोलूं तो झूठ बोलूं नहीं झूठ ना बोले तो आपको भी संगीत का शौक रहा एज अ प्लेबैक सिंगर नहीं एक्चुअली मेरा पिताजी पशुपति भट्टाचार्य जी हाँ वो बंगाल का मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक टीचर तो बाबा को साथ रहते रहते वो एक सपना मेरे अंदर आ गया था कि हमारा फैमिली से मेरा ये इंट्यूशन हुआ कि हम लोग का फैमिली से कोई ना कोई है ये सिंगिंग में आना चाहिए ये सिंगिंग में एक
फिगर बनना चाहिए, कॉमर्शियल सिंगिंग, मतलब बाबा का जो क्लासिकल टीचिंग होता था उसमें जो हम लोगों का गरीबी हटती नहीं थी, तो उसमें से ऐसा निकाल के रखता था कि कमर्शियल सिंगिंग में लोग कितना पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, बाबा क्यों नहीं, इसका ये सपना हुआ करता था, हमें ये बोलते थे बाबा क्यों नहीं जाते यार, तो उसके पास इधर क्यों नहीं जाते, उधर क्यों नहीं जाते, नहीं तो बाबा का एक मिनट तो उनकी थी एक सीरियस, जिसको आपने कहा गरीबी वाली सिंगिंग, और आपकी है एक कमर्शियल अमीरी वाली सिंगिंग। ये एक 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 और मैं चाहता हूँ कि मैसेज हम देख लें जो आपके घर से जुड़ा हुआ है। यहाँ কেমন আছিস মা? ভালো আছিস তো? খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করছিস তো? শরীরের দিকে যত্ন নিবি? আমি তোর সঙ্গে সঙ্গেই আছি, সবসময় তোর কথা ভাবি, তোর কথা বলি, ভালোভাবে থাকবি, আমার আশীর্বাদ রইল, সবসময় তোর সঙ্গে আছি, তোর কথা ভাবি। শানু ভালো আছিস তো? অনেক দিন তোর সঙ্গে দেখা হয় না, কলকাতায় আসবি যখন নিশ্চয়ই দেখা হবে, সাবধানে থাকবি, তোর গান শুনছি খুব ভালো লাগছে। আর হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায় সেই গোলবাড়িতে খাওয়ার কথা, কলেজ থেকে বেরিয়ে সে জোর করে চলে যেতাম গোলবাড়িতে গিয়ে মাংস খাওয়ার, মনে পড়ছে তো? আমার আশীর্বাদ রইল তোর সঙ্গে। কেমন एक और शख्सियत से मैं आपकी तस्वीर दिखलाना चाहता हूं, उनकी जो भी ये चिंता करती रहती हैं कि भाई आप टाइम पे खाते हैं या नहीं, यहां देख लेते हैं उनकी तस्वीर। ये जो आपकी धर्मपत्नी और आपकी सुपुत्री जो हमने जिनकी तस्वीरें देखी, इनमें भी किसी को गाने वाने का शौक है या आप चाहते हैं कि बच्चे जो नहीं गाना सीखे? ये मेरा गाने का फैन है बस, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल इतना गाने का फैन है, इतना ताल्लुक है। हां, बहुत संस्कार वाली है, शी इज परफेक्ट, मतलब आई एम वेरी हैप्पी नाउ विद हर एंड एक बच्ची है मेरा जो बहुत ही फेवरेट है, साना, जिसके नाम पे मेरा स्टूडियो है जी बॉम्बे में, साना म्यूजिक वर्ल्ड। Now we are very happy. That's all. Welcome back. Kumar Sanu साहब से बात हो रही है, वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है कि इस एपिसोड में सानू साहब, तपन साहब भी बता रहे थे, आपने भी कहा कि फैमिली में शौक था, सबको शौक था, आपने पहल की कि साहब मैं तो मुंबई जाऊंगा। यस, और फिल्म इंडस्ट्री में जिसको कि आप अमीरी का गाना, मैं शुरू में शुरू से ही मेरा एक था कि जब कलकत्ता में मैं गाना शुरू किया तो आई स्टार्टेड टेकिंग मनी, तो वो जो प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, एक ग्रुप बना लिया, जो ग्रुप था दादा ये लोग के साथ जो प्ले करते थे, उस सबको लेके मैं एक ग्रुप बना लिया अपना, तो वो लोग कुछ प्रोग्राम होता था तो 100-100 रुपया में उस जमाने, हाँ 100-100 रुपया में मेरे को नाइट का 100 रुपया मिलता था। लोग जब कहने लगे कि तू अच्छा गाता है यार, तू बहुत अच्छा गाता है, बहुत मिलता जुलता है तेरा ये, तो वो हौसला जो है वो बढ़ते 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 इस हद तक पहुंचा कि मैं यहाँ पहुंच गया। वही बोला कि स्टूडियस चाइल्ड, शरारती बच्चे थे, कैसे बच्चे थे? शरारती तो बहुत था, बहुत बहुत ही मतलब ऐसा क्या है कि आपको क्या बताऊँ, चोरी करने में बड़ा मज़ा आता था, खेती में घुस के मैं प्याज की सब्जी एक बार उठा के, मेरा तो हालत ख़राब हो गया था, बाल बाल सब काट दिया था मेरा प्याज की सब्जी, मैंने सोचा कि जंगल में प्याज की सब्जी होके कैसे रह रहा है, तो मैं बोला इतना प्याज की सब्जी सब उठा उठा के एक जगह किया, छोटा छोटा प्याज की सब्जी छोटा छोटा हुआ, तो उसका जो माली आया के बोलता मेरा सत्यानाश कर दिया तुमने, अभी ये और 2 महीने बाद बड़ा होने वाला था, बचपन में होकर मेरे को लेके बाबा के सामने, बाबा बहुत गुस्से वाला था, बहुत गुस्से वाला, कुछ भी होता तो बाबा पहले पीटता तो बहुत था, और उसके बाद उससे बड़ा सजा जब होता तो कहीं बाल काट देते थे, बाल काटने से क्या होता कि मैं शर्म करने बाहर नहीं निकल सकता, बाल बढ़ने के लिए इंतजार करता, तो घर में ही रहना या टोपी वो भी कुछ ढक के, और लोगों की प्याज की सब्जी वब्जी सलामत रहती थी। मैं उन दिनों के कुछ आपके दोस्त हैं, उनको बुलाना चाहता हूँ, प्लीज आइए। अरे
नमस्कार आइए सर आइए आइए सर सर आप उधर आ जाइए सानू साहब के पास सानू साहब आप इनका परिचय करवाइए हमसे ये है इनको मैं कनाईदा बोलता हूँ मेरे से बड़े हैं लेकिन मेरा दोस्त है बचपन का अरे आइए इनका क्या किस्सा है एक एक ये तो हमारे बचपन के दोस्त है ये जो हमारे साथ हर काम है मतलब मुझे प्यार करते हैं बहुत ही मतलब सबसे करीबी दोस्त हमारे कलकत्ता में बस दो ही है आप लोगों से जुड़ी हुई कोई तस्वीरें दिखलाना चाहते हैं अरे अरे আমি বুড়ি রে তোকে পুকুর থেকে তুলে দিয়ে এসেছিলাম তোদের বাড়িতে মনে আছে তোর মা তো কত বললো বাবা তুই জন্য বেঁচে গেল আমার ছেলেটা আরো আশা করি ভালো আশীর্বাদ করি বড় আরো আরে জানু আরে বাবা ছেলে শুভেচ্ছা তোর উপর রইলো এ আমার বচমানে চিনতে পারছিস আমাকে হো গিয়া আমি অপুরে অপু অপু তো ছোট বন্ধু সরস্বতী পুজো মাচা বাজা কালী পুজো সব ভুলে গেছিস নাকি শোন তোর নাম তো আমরা সবসময় শুনছি আশা করি তুই আরো বড় হবি আরো নাম হবে হ্যালো ये जो पहले जो औरत को देखे आपने जी 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 ये ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं एकदम छोटा था तो 11 मंथ्स 12 मंथ्स या 13 मंथ्स का था जब मैं घुटने पे हैं चलते थे उस समय हम घर से निकल के चलते चलते तालाब एक कीचड़ भरा तालाब था कीचड़ भरा और उसमें मैं डूब गया था टोटली कीचड़ में एकदम टोटली डूब गया था तो ये वहाँ पे बर्तन धोने के लिए वो तालाब में जाते थी तो उस सीढ़ी से देखा कि बुद 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 कर रहा है पानी में बुलबुला हो रहा है और अचानक देखा थोड़ा सा बाल ऐसा उठा फिर डूब गया तो वो झपक करके नीचे गया और मेरे को वहाँ से निकाला कीचड़ में से अच्छा निकल के उसको मालूम नहीं मैं कौन हूँ तो हाथ में वो लेके कीचड़ लगा हुआ नंगा तो मेरे को हाथ में लेके पूछते पूछते जा रहे थे किसका बेटा है भाई किसका बेटा ये किसका बेटा है ये तो मर रहा था तो मेरी मामी ने देखा अचानक मामी पाँच जन को संभाल रहे थे एक पीछे से निकल गया तो खाना पकाती थी ये करती ये वो औरत है जिसने मेरी जान बचाई बचपन में आपको बड़ा उपकार किया बड़ा और बहुत से आपके जो लाखों फैंस हैं उन पे भी बड़ा उपकार किया हाउ डिड यू मेक योर फर्स्ट एंट्री इनटू बॉम्बे क्योंकि उस जमाने में तो मुंबई एक तो शहर में आना फिर उस फिल्म इंडस्ट्री में मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं जैसे कि बॉम्बे में आ गया था बॉम्बे में आके वाशी में कुछ एक मेस में कुछ लोगों के साथ ऐसे ही परिचय हुआ परिचय हुआ और वो लोग हमें बोला कि तुमको रहने का अगर नहीं है तो तुम हमारे मेस में आके रहो अच्छा गाना गाते हो यार एक दो गाना सुना दिया करना हम बोला ठीक है तो उनके साथ ही खाना वाना उनके साथ ही रहना सेक्टर 17 में वासी में उसके बाद मैंने ट्राई किया कि मैं वहाँ पे प्रीति रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट है हाँ रेस्टोरेंट आराधना गेस्ट हाउस उसका ये एक होटल में अशोक सेठ करके जिसका नाम लेना बहुत ज़रूरी है उन्होंने क्या किया उन्होंने मेरे को उनके होटल में मैं चला गया बोला कि भाई मैं गाना गाता हूँ बोले ठीक है गाना गाते गाते रहो हाँ गाते रहो बहुत अच्छा था हम क्या करेंगे हमारे तो सिंगर विंगर है सब हमारे क्या करेंगे हम बोले मेरे को एक बार आप सुन तो लीजिए कम से कम मेरे को प्लीज़ तो बोला ठीक है तुम बाहर बैठो मैं जैसे ब्रेक होगा मैं उस समय तुमको बुला लूँगा
तो ब्रेक हुआ तो मेरे को बुला लिया, बुला के मेरे को बोला जाओ एक दो गाना गाओ, तो पब्लिक को बोला कि नया सिंगर है सानू भट्टाचार्य जी आया कलकत्ता से, एक बार सुनते हैं हम लोग इसको। तो फर्स्ट गाना मैंने मेरे नैना सावन भादो, ये जो किशोरदा का गाना था, बहुत मशहूर गाना, हाँ वो गाना मैंने गाया। तो गाते करीब 1600 रुपया का टिप्स आ गया, 1600 रुपीज टिप, लोग घुमा घुमा के जैसे देते हैं ना, तो आया। बस उसी दिन से, उसी दिन 9:30 बजे ने मेरे को नौकरी में अपॉइंटमेंट दे दिया और बोलता है कल से तुम पक्का हो, आज तो गाते ही रहो, आज तो शुरू हो गया तुम्हारा, आज गाओ और कल से तुम पक्का। एक साहब थे जिन पे आपने बड़ा अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था और उन्होंने बहुत लोगों पर बहुत दिनों से बहुत जबरदस्त इंप्रेशन जमाया हुआ है, मैं बुलाता हूँ उनको, प्लीज तशरीफ लाइए। जगजीत साहब बहुत शुक्रिया आपका जी, रात आपकी दुआएं सर, आइए आइए। मैंने सोचा आज केदार बाबू की इंटरव्यू हो रही है। जी 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 जी, भट्टाचार्य साहब की बातें हो जाए। केदार बाबू ना, केदार बाबू असली नाम उनका केदार है जी। मैं जब रिसर्च अच्छा, मैं बताऊंगा जी हाँ, मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया था उस समय, मैं बताता हूँ आपको। मैं वेस्टर्न आउटडोर में, आपको याद है ना, मैं वेस्टर्न आउटडोर में किशोरदा का गाना गा रहा था, यूडलिंग वूडलिंग कर रहा था, थोड़ी सी जो पी ली ये सब गाना वाना गा रहा था, मतलब वो एक कैसेट बना रहा था। तो अचानक मैं तो इनका नाम तो मेरे दिमाग से पहले से ही नहीं, बड़े सिंगर है, मैं बोला कैसे इनसे, इन लोगों से तो सवाल ही नहीं है, सोचा भी नहीं था कभी। तो अचानक इन्होंने सूद साहब के पास बैलेंसिंग रूम में आके पूछा कि सिंगर कौन है। मैं सूद साहब से सब सुन लिया था बाद में, आपने जो जो किया था थोड़ा सा, हाँ। तो वो करने के बाद इन्होंने बोला, वो सूद साहब बोला, वो सानू बोल के एक लड़का आया, बोला अरे बुला बुला उसको, बुलाओ। तो मुझे लाके इनके पास, मालूम है कौन है, जगजीत सिंह गजल सिंगर। तो मैं एकदम पैर पड़ गया, मैं बोला भैया बाप रे बाप, इतने बड़े भाग्य मेरा। इन्होंने मेरे को बोला कि सनम तुम्हें काम करना, कल दोपहर को मेरे घर में आ जाना। मेरा जिंदगी का पहला गाना जिन्होंने मुझे चांस दिया था, ही इज जगजीत सिंह, और ये हमारे सामने खड़े हैं, और किस तरह से इन्होंने चांस दिया था ये भी ये दास्तान इनसे सुन ली। तो जगजीत साहब आगे किस्सा आपकी, एक्चुअली वो एक फिल्म बन रही थी, उसका नाम आंधिया, था आंधिया, तो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा हीरो थे, उसकी आवाज चाहिए थी, तो या तो किशोर कुमार ले और या फिर उसके साथ मिलती जुलती आवाज ले, तो किशोर तो वो देखूंड अफोर्ड, और आई थिंक किशोर दा कहीं बाहर भी गए थे। तो अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि किशोर दा के जो बेटे हैं अमित, उनसे गाना लेंगे। लेकिन मैं इनको सुन चुका था उस दिन में, और घर में मैंने इनको बुला के वो गाना याद करवा दिया। तो सुबह रिकॉर्डिंग पे जब पहुंचे तो उनको फोन किया, तो अमित अभी तक मम्मी नहीं पहुंचे थे, और हमारा सारा मामला रेडी था, 11 बजे तक वो पहुंचे नहीं। तो इसको सोनू को मैंने रेडी किया हुआ था, सानू को, तो तुम कुछ भी बोले तुम गाना याद कर लो, और हम ये बोलेंगे कि आप डबिंग के लिए गा दीजिए, बाद में हम उनसे डब कराएंगे, लेकिन आप गा देना, गाना आपका ही है। मैंने इसी कान में बोला ये गाना तुम्हारा ही है, कोई नहीं गाएगा, बेबे कर रहा हूँ। तो जब गाना सुना सबने तो सबको पसंद आया, मैंने कहा क्या करना, बोलिए कुछ करना है, बोले नहीं ठीक है, मैंने ठीक है तो ठीक है। वेलकम बैक टू वीडियो कॉन, जीना इसी का नाम है। सानू साहब की शान जो महफिल आज सजी है उसमें 4 चांद लग चुके हैं और जगजीत साहब मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि भरपूर फ़ायदा हम उठा लें जगजीत साहब की मौजूदगी का। और जगजीत साहब, ये सानू साहब जिक्र कर रहे थे कि न सिर्फ ये कि आपने पहली बार उनको नोटिस किया और फिल्मों में गाने के लिए बुलाया, लेकिन और किस्सा जो जो आपकी करम फरमाई का है वो मैं चाहता हूँ कि सानू साहब खुद बयान करें। इन्होंने मुझे उनके पास सामने खुलने वाला एक डुकर, वो छोटी फियट जो पुराने जमाने, जो पुराने जमाने का पीछे राउंड शेप का, तो वो गाड़ी में मेरे को बोला बैठ, तो मैंने बैठा, कैसेट लिया साथ में और सीधा विमला महल कलांजी भाई के घर, विमल महल, उसमें जाके उन्होंने सीधा हमको ऊपर लेके गया। हम भी आपको मिलवाना चाहते हैं, देखिए यहाँ। नमस्ते फारूक भाई, केम छो, मजा मा? एकदम मजा मा रंजीत भाई, केम छो? બધાને બહુ ગમે છે જીના ઇસી કા નામ, મહેરબાની છે બેઠી। અને આજે તમારી પાસે જે આવ્યા છે મિસ્ટર ભટ્ટાચાર્ય, હા જી ભટ્ટાચાર્ય, એની વાત કરું
पर आज तो प्रोग्राम हिंदी में चले, हिंदी में बोलू पड़ से ना। तो आज तो कुमार शानू जी सामने हैं, नमस्ते आपको भी। इनका जन्म पता है आपको फारूक जी कब हुआ है? 1989 में। हाँ जी 1989 में। इससे पहले ये भट्टाचार्य जी थे, तो वो गाते रहते थे, उनके दिल की तमन्ना थी, अमार को था केव सुने ना के प्रकाश जी। और हमने इनको पहली बार मौका सुना, और हमें भी दादा किशोर दा नहीं होने की वजह से नए सिंगर की ज़रूरत थी, और इनको सुना तो अच्छा लगा हमें, और इनको गवाया, और तब से इनका नाम कुमार शानू हो गया। बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हुए हैं, और मेहनत कर भी रहे हैं अभी भी, और करते रहें, बस यही आशीर्वाद है इनको। विश यू ऑल द बेस्ट। उस ज़माने में एक और आपके कलीग थी जो आपके साथ कल्याण जी भाई के साथ और आनंद जी साहब के साथ शोज में आपके साथ बहुत गाती थी। मैं चाहता हूं कि उनको भी मालूम हो गया कि आप यहां आए हैं, तो आपसे मिलने आई हैं। आइए मैं बुलाता हूं। जगजीत साहब आप कैसे हो? आप कैसे हो सर? अरे जी बहुत शुक्रिया आपका, इसमें आइए ना, प्लीज कम, हाउ नाइस ऑफ यू टू कम। जब पहली बार आप मिली, सो व्हाट इज योर इम्प्रेशन? कुमार सानू साहब जब पहली बार मिले तो आपको उसकी कुछ याद है? जी हाँ, हम लोगों ने जादूगर में एक गाना गाया था शानू जी के साथ, और कल्याण जी भाई आनंद जी भाई के साथ मैं शोज करती थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव डन शोज विद शानू जी। और इनके बारे में कि इनके गाने जब आए, जब इनका गाना हम लोगों ने सुना, तो सही में लगा कोई नई आवाज़ आई है। और इनके गानों में सबसे अच्छी बात हम लोगों ने यही देखा कि जो एक्सप्रेशन सानू जी के आवाज़ में है, वो बहुत कम सिंगर्स के आवाज़ में। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई एम नॉट देयर पर्सनली टू, आई मस्ट टेल द ऑडियंस देयर एंड द एंटायर वर्ल्ड हू सीन दिस प्रोग्राम, कि द मोस्ट रोमांटिक जो एक आवाज़ दिल को छूती है तुम्हारी आवाज़ है। मेरा ऐसा कोई गाना नहीं मुझे याद आता जो तुम्हारी आवाज़ में चला ना हो। और मुझे अच्छी तरह याद है सबसे पहले जब मुझे तुम्हारी मुलाकात मेरी हुई थी, इफ आई रिमेंबर राइट, वाज व्हेन आई वाज स्टेइंग इन माय अर्लियर हाउस नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी। And I remember तुम्हारे कुछ शर्ट्स के 8 बटन खुले हुए थे तुम्हारे, और तो उस वक्त भी एकदम दादा बस कुछ करना है। तुम्हारी एक जो आवाज़ में तासीर है, जो मोहब्बत है, जब मैं एक तर्ज सुनाता हूँ, जिस खास कर गाना जो मुझे बहुत पसंद, तुम्हारे आवाज़ में संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जब मैं तुम्हें गाना सुना रहा था तो बहुत गौर से सुन रहे थे, और गाने को समझ कर तुमने जो अपनी जान डाली उस गाने में, जो जान फूकी है, आई मस्ट से I'm privileged to have worked with you. और जैसे आप हंसते रहते, जैसे इंटरव्यू खत्म होगा आप हंसते रहना। दादा, I love you, Kumar Sanu, you're the best. Bye bye. आप हंसते रहिए, तब तक एक और मैसेज मैं आपको सुना दूं यहाँ। शानू दा, सबसे पहले तो we are very sorry, आपने पहले कहा था कि आपके प्रोग्राम में आना हम लोग नहीं आ सके रिकॉर्डिंग के कारण, मुहूर्त का गाना है, लेकिन आपके बारे में क्या कहा जाए। मैंने अलका जी से भी कहा है आपके बारे में कि आपकी गिनती गोल्डन एरा के सिंगरों में हो सकती है, क्योंकि आपने बहुत बहुत अच्छे गाने गाए हैं, आपकी आवाज़ बहुत सिनेमेटिक है, और जो भी हमारे गाने गाए आपने हम लोगों को 100% सेटिस्फेक्शन दिया। दादा, वो एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है आपके साथ, बहुत अच्छा था कि हम लोग एक गाना बना रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे फिल्म सेंटर में, कहती है दिल की लगी, और हम लोग वो गाना जैसे जैसे अरेंज होते जा रहा था, आप चुपचाप बैठ के हम लोग के पीछे साथ खड़े थे, और मेरा कुछ कागज़ में लिख रहे थे, फिर जब ट्रैक पूरा हो गया तो हमने कहा कि दादा चलिए आइए रिहर्सल करिए, गाना रिकॉर्ड करते हैं, तो आपने कहा कि नहीं नहीं तुम लोग मेरे को माइक में खड़ा करो, मेरे को गाना याद है, और आपने वो गाना बिना रिहर्सल के बहुत अच्छा गाया था। हम लोग दोनों आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं, आपने हमारे गानों में इतनी मेहनत की, इतनी रिहर्सल्स की, और इतना अच्छा काम किया हमारे साथ ही नहीं बल्कि कई लोगों के साथ, और वी विश यू मेनी मेनी हैप्पीनेस ऑफ लवली सिंगिंग टू कम फ्रॉम यू, वी विश यू ऑल द बेस्ट। वेलकम बैक, सानू साहब से बातें हो रही थी, और सपना जी ने बड़ी शराफत से काम लिया कि उन्होंने जो है वादे के मुताबिक अपनी दो लाइनें गा के बता दी, सानू साहब ने कुछ नहीं किया, तो फिर मैं चाहता हूँ कि वी मस्ट रिटर्न द फेवर। सपना जी आप तशरीफ रखिए, मैं चाहता हूँ कि कोई और साहब आए जो सानू साहब को जानते हैं, और दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं लेकिन सानू साहब की ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग हैं, मैं दोनों को दावत देता हूँ, प्लीज़ तशरीफ लाइए।
अरे आदाब शरण साहब आइए आइए हुजूर हाउ आर यू कमी साहब आदाब बहुत शुक्रिया नवाजिश आप तशरीफ लाए आइए सर अब मैं ये जुरत नहीं करूँगा कि जो मौजूदा दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं उनका तारुफ करें ये जुरत मैं करने वाला नहीं हूँ सिर्फ समीर साहब से ये पूछूँगा कि सर आपकी मुलाकात सानू साहब से अव्वल कब हुई थी एंड वॉट इज़ योर इम्प्रेशन ऑफ दैट मुलाकात तो इनकी आवाज़ से पहले हुई थी जी हाँ जी हाँ जी इनसे बाद में हुई आशिकी के पहले मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए मगर पहली बार जब मेरा आमना सामना हुआ तो मुझे लगता है सुदीप में यस आशिकी के किसी गाने के रिहर्सल पे हम लोग एक बार आमने सामने हुए थे आशिकी के पहले कुमार शानू को लोग किशोर कुमार की आवाज़ से ज़्यादा पहचानते थे मगर आशिकी के बाद लोगों ने कुमार शानू को सही मायने में पहचानना शुरू किया और हम खुद चाह रहे थे कि एक ऐसी वॉइस हम इंडस्ट्री को पेश करें कि जिससे कि इंडस्ट्री नदीम श्रवण को भी याद रखे और हमारे शानू जी को भी याद रखे तो अल्टीमेटली जैसे ही शानू जी ने फर्स्ट टाइम गाना नज़र के सामने जिगर के पास का रेंडरिंग शुरू किया यह आलम था कि जैसे पहली लाइन ख़त्म हुई तो मेरे मुँह से और नदीम जी के मुँह से एक शब्द निकला टाइगर और वो टाइगर शब्द इसलिए निकला कि हमारे जिस तरह से शेर होता है जंगल का राजा होता है इसी तरह से आवाज़ का जो राजा है हमने इनको टाइगर का उस वक्त जो है वो नाम दिया और तब से लेकर आज तक हम जब भी माइक पर होते हैं वो खिताब आज भी है जब भी ये माइक पर होते हैं तो एक ही आवाज़ आती है टाइगर मेरे दोस्त हैं सर आपके नाम की कस्में खाया करते हैं और मैं उनको नहीं बुलाऊंगा तो बहुत बुरा माना कहीं तो प्लीज मेरे भी दोस्त हैं प्लीज तशरीफ लाइए हाउ आर यू बिग बॉस थैंक यू फॉर कमिंग आइए नेक्स्ट अप मुझे याद है कि जब हम लोग इनके साथ काम किया करते थे तो ये मतलब इनकी कोई भी सीरियल शुरू हो रही है तो उसका टाइटल सॉन्ग जो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कुमार सानू तो मुझे बहुत प्यार करते थे तो हम लोग पूछा भी करते थे शेखर सुमन साहब होते थे मैं होता था कि भाई हर सीरियल में तो ये कहते नहीं 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 फारूक भाई नहीं नहीं इन्हीं आवाज में छे एक छे है ना तो सर कुछ सू छे जरा कहीं संभलो ना हर इंसान का एक लकी मैस्कॉट होता है जी जी तो सीरियल हो जितनी भी सीरियल 7-8 बड़ी बड़ी सीरियल हैं और फिल्म आज 2-3 सालों में जो म्यूज़िक में भी मुझे कामयाबी मिली तो मेरा पहला सीरियल का गाना फिल्म का गाना प्यार किया तो डरना क्या हो हेलो ब्रदर हो हमराज हो तो हर इंसान का एक लकी मैस्कॉट होता है मेरा लकी मैस्कॉट कुमार शानू तो ही इज़ जस्ट एंड मजे हुए कलाकार हैं और एक म्यूज़िक डायरेक्टर की नोट्स सभी सिंगर गाते हैं गवाया जाता है लेकिन एक म्यूज़िक डायरेक्टर की रूह को सही तरीके से समझना आई थिंक कुमार शानू इज़ द बेस्ट इन दिस जनरेशन ही इज़ फैंटास्टिक गाना तो सर सभी जानते हैं बहुत अच्छा गाते हैं इंसान भी बहुत अच्छे हैं जो अभी जिसका जिक्र आपने किया और मिलता जुलता जिक्र आपके एक दोस्त आपके एक कलीग कंपेटिटर भी यहाँ से कह रहे हैं शानू दादा नमस्कार आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितना अफसोस है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में नहीं शरीक हो सका क्योंकि मुझे अपनी मम्मी के साथ बहुत ही ज़रूरी काम के लिए कहीं जाना था वेरी वेरी सॉरी अबाउट इट मुझे आज तक याद है 94 में जब पहली बार आपके साथ खड़े होकर मैंने सचिन जी की फिल्म आजमाइश में एक गाना डुएट गाया था मुझे कितना गर्व महसूस हुआ था और मैंने कितने लोगों को जाकर बाद में कहा था कि आप कितने अच्छे इंसान हैं आपने मुझसे कितने प्यार से बात की उसके बाद हम लोग भले ही बहुत कम मिले हों लेकिन हमारी जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी हमेशा रही हाल ही में जो आपकी मेरी दोस्ती बढ़ी है उसका कारण है शायद कि अब आप ये जान गए हैं कि मैं आपका केवल कुलीग नहीं बल्कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं आपने ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट सहे हैं बहुत सारे दुख सहे हैं व्यक्तिगत ज़िंदगी में अब जाकर आप सेटल हुए हैं मेरी दुआ है भगवान से कि आप हमेशा अपने परिवार के साथ यूं ही सेटल रहें खुश रहें नमस्कार वेलकम बैक टाइगर सानू से बातें हो रही हैं वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है मैं जाहिर है कि उनके कलीग्स में उनके दोस्तों में चाहने वालों में बड़ी इज्जत और बड़ी मोहब्बत से
उनको लोग याद करते हैं। उन याद करने वालों में एक और बहुत प्यारी शख्सियत है, मैं उनको दावत देता हूँ, प्लीज तशरीफ लाइए। हम टाइगर सानू की बातें कर रहे थे कि कितने सालों से जो है बहुत कामयाबी के साथ गा रहे हैं और उनकी उन चंद सिंगर्स में से हैं जिनका मायार जो है जहाँ था वहीं है इतने सालों के बाद भी। आप भी सानू साहब को बहुत सालों से जानती हैं और कई सालों से इनके साथ काम कर चुकी हैं। हाँ, मैंने आई थिंक पहला गाना जो गाया था इनके साथ वो साजन का था, मेरा दिल भी कितना पागल है, नदीम श्रवण जी का कंपोज किया और समी जी का लिखा हुआ गाना, वो पहला डुएट था। तो उसके बाद तो बहुत से गाने गाए हमने साथ में। सानू साहब ने आशा जी की तज़ीम में और उनके एजाज़ में ये कहा कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। मैं समझता हूँ कि जिसके दिल में इतनी खूबसूरती और इतना सुर हो जैसा आशा जी ने फरमाया, वही आदमी जो है टाइगर सानू हो सकता है। टाइगर सानू, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड इवन ग्रेटर प्लेजर लिसनिंग टू यू। अगले हफ्ते फिर ऐसी ही किसी बहुत शानदार, बहुत सुरीली, बहुत प्यारी, खूबसूरत शख्सियत से आपकी मुलाकात होगी, हमारी भी। तब तक के लिए आदाब।